उस लोगो को देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये विजन आज से कुछ साल पहले परमेश्वर ने मुझे दिया था और परमेश्वर ने कहा था कि ये मिनिस्ट्री का लोगो ऐसा होना चाहिए जैसा प्रकाशित वाक्य में है। सुनो ध्यान से, मैंने तब ये लॉन्च नहीं किया क्योंकि मुझे इस पर पूरी क्लैरिटी और पूरा प्रकाश चाहिए था कि इसका मतलब है क्या। ये काफी सालों से बना के रखा हुआ था, इसे मेरी वाइफ ने डिजाइन करवाया और लेकिन ये लॉन्च नहीं हुआ क्योंकि मुझे पूरा प्रकाश चाहिए था कि परमेश्वर आखिर प्रकाशित वाक्य में और यहोजकेल की पुस्तक में क्या कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इसकी पूजा करने लग जाएं। कुलसियों 2 उसकी 18 आयत में लिखा, कुलसियों 2 उसकी 18, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्ग दूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी मनुष्य स्वर्ग दूतों की पूजा करके तुम्हें इस दौड़ से, मसीही दौड़ से तुम्हें कहीं हटा ना दे, कि ऐसा ना हो कि मैं ये लॉन्च करूं और लोगों को इसका मालूम ना हो और लोग इसकी ही पूजा करना शुरू कर दें, इसके आगे माथा टेकना शुरू कर दे कि शेर भी है, यीशु मसीह का मतलब शेर होता है और इसमें बाज भी है, इसमें बैल भी है, इसमें मनुष्य भी है। तो परमेश्वर ने कहा कोई भी व्यक्ति स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें इस दौड़ से वंचित ना करे, क्योंकि हमारा सिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ वचन के आगे और परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए और किसी भी चीज के आगे नहीं, किसी भी मूरत के आगे नहीं, किसी भी लोगों के आगे नहीं। हालेलुया।